Hey y'all, come look at this. Hey Baba, ये केला कितने का दिया? क्या करता है रे तेरी? आप दोन, आप दोन। दोस्तों, एनिमल किंगडम में तरह तरह के जानवर होते हैं, जिनमें जहां पर खतरनाक जानवरों की हरकतें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वहीं कुछ जानवर भैया इतने शरारती होते हैं कि उनकी करतूतें देखकर हमारी हंसी छूट जाती है। तो कुछ ऐसे ही जानवरों की फनी वीडियो क्लिप्स हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आपका हंस हंसकर पेट दर्द हो जाएगा। तो मेरी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और संग में बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आप इस क्लिप को देखिए, जिसमें पेंगुइन के दो ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और बिना कोई पंगा लिए पास से निकल जाते हैं। लेकिन तभी हमें मिलता है ग्रुप को धोखा देने वाला एक पेंगुइन। दरअसल दोस्तों, आगे निकलने के बाद पहले ग्रुप का एक सदस्य दौड़ते हुए दूसरे ग्रुप के पीछे जाता है और दूसरे ग्रुप के पास जाकर पता नहीं भाई दूसरे पेंगुइन को कौन सा लालच देता है कि वो पेंगुइन अपने ग्रुप को छोड़कर इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है और उसके ग्रुप को पता तक नहीं लगता। तो आओ सालों, उंगली उठा के दिखाओ, हमारे साथ हमारी फौज है। लगता है कम वक्तों का तगड़ा झंडा है सालों के साथ। चलो भी डील दे, बाद में काटते हैं, पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए। जेठा, कहाँ जा रहा है? वापस अगवा हो जाएगा। आप लोग उधर कैसे पहुंच गए? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दोस्तों, ओरंगउटान को हाईली इंटेलिजेंट एनिमल माना जाता है। ये जानवर कई बार ऐसे कारनामे कर दिखाते हैं जिसे देखकर हमें अपनी आंखों पर जरा भी विश्वास नहीं होता। अब जरा आप इस मजेदार क्लिप को ही देख लीजिए, जिसमें ओरंगउटान कार ड्राइव कर रहा है और ये लोग गाड़ी में बैठकर सफर को एंजॉय कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ओरंगउटान का बेटा कार के पीछे लटक कर भैया ग्राउंड पर अपने स्टंट दिखाते हुए इन मोहतरमा को इम्प्रेस कर रहा है। तो वीडियो देख रहे लड़कों, कुछ सीखो भाई इन ओरंगउटान से, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन लड़कियों को सेट कर ले जाए और हम बस देखते ही रह जाएं। जोक्स अपार्ट, ये एनिमल सच में यार बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। दोस्तों, कैट की तरह गोट भी एक ऐसी पालतू जानवर है जो हमेशा से यहाँ वहाँ उछल कूद करती रहती है। अब आप इस नटखट सी बकरी से मिल लीजिए, जो इतनी शरारती है कि अपनी शरारत से भैया दूसरों की नाक में दम कर देती है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये WWE मैच देख के आई है और इसमें सोया हुआ द ग्रेट खली जाग गया है। फिर तो भाई साहब, इसने उछल कूद करके अपने दोस्तों पर ऐसी छलांग लगाई मानो वो बकरियाँ नहीं बल्कि कोई ट्रम्पलिन हो। His name is John C. You're slithering. Watch out, watch out, watch out, watch out. इसे कहते हैं भैया दूसरों की वाट लगाकर खुद मजे करना। वाकई में क्या सीन है, देखकर यह मजा आ गया। अगर आपको मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ। दोस्तों, बचपन में आप सभी ने टॉम एंड जेरी तो भाई देखा ही होगा। ये एक ऐसा कार्टून है जिसे देखकर आज भी हम लोग हंसी का खूब ठहाके लगाते हैं। वैसे इस बिल्ली के सामने भाई एक बार टॉम एंड जेरी शो चलाया गया। जैसे ही टॉम ने जेरी को मारा इस शो में, इस बिल्ली का इंटरेस्ट भी जाग गया और अब बारी आई भाई जेरी की, जिसने अपने हाथों में हवा भरकर टॉम को ऐसा मुक्का मारा कि वह हवा में उड़ता हुआ कोसों दूर जा गिरा। और अपने जैसे दिखने वाली इस बिल्ली की हालत देखकर इस बिल्ली की भैया सिट्टी पिट्टी हो गई गुल और डर के मारे बड़ी छलांग लगाते हुए रॉकेट की रफ्तार से वहाँ से 9 to 11 हो गए। भाई साहब, अब ये बिल्ली किसी भी चूहे से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगी। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। दोस्तों, बंदर इतने ज्यादा शरारती होते हैं कि इंसानों को परेशान करते रहते हैं। कभी हमसे खाना छीन लेते हैं तो कभी बेवजह कान के नीचे जोर से बजा देते हैं। लेकिन इस बार भैया इनका जो पाला है वो गलत इंसान से पड़ गया। बंदरों से सदियों का बदला लेने के लिए महाशय उन्हें खिलाने के लिए कड़वा करेला लेके आए हैं। अब बेचारे नादान बंदर इस बात से बिल्कुल अनजान थे। पहले एक बंदर ने करेला खाने की कोशिश की और उसका हाल भाई कुछ ऐसा हो गया। ओहो हो हो, देखो देखो, उस बेचारे का मुंह ऐसा कड़वा हुआ कि वो दुम दबाकर वहां से भाग गया। और फिर दूसरे ने सोचा कि उसने खाने को ना कैसे कहा और उसने भी भैया करेला चबा लिया। ये तो टट्टी है। ला बाबा, ला। ये का बवासीर बना दिया हो?
वैसे दोस्तों शरारत में तो भैया पांडा भी कुछ कम नहीं होते हैं। कभी कभी ये टायर के झूले पर बैठकर चल छैया छैया करते हुए नजर आते हैं और फिसल कर गिर जाते हैं, तो कभी ये इंसानों को देखकर भाई उल्टी पुल्टी हरकतें भी करते हैं। अब इस पांडा को ही आप देख लीजिए जिसने बॉलीवुड एक्ट्रेस का पोल डांस देख लिया और इसे वो पोल डांस भाई इतना पसंद आया कि अपने पास वाले पेड़ को पोल बनाकर अपनी कमर हिलाकर डांस करने लगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों दोस्ती निभाने में एक बार भाई इंसान से चूक हो जाए लेकिन जानवरों की दोस्ती बहुत ही कमाल की होती है। वो मरते दम तक भाई अपने दोस्त का ख्याल रखते हैं। अब इस प्यारी सी वीडियो को आप देखिए, समुद्र किनारे ये जो महाशय है एक छोटे से केकड़े का हाथ पकड़ रहे थे और उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, तभी उसके दोस्त ने भाई कुछ ऐसा किया जिसको देखकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। जी हां दोस्तों, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्त को बचाने के लिए गले से लगा लिया और पीछे छुपा लिया। भैया कहां से आ गया? अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। मेरा 20 लाख रुपया पिदल है। आता आता 20 लाख रुपया वो तो हम लोग खा गए। वाकई में इस छोटे क्रैब का अपने दोस्त के लिए प्यार देखकर हमारा तो दिल भाई खुश हो गया। दोस्तों इंसान हुए जानवर अपना परिवार भाई हर किसी को प्यारा होता है, जैसे कि यहाँ पर ऑटर्स यानी कि उदबिलाव का परिवार है। दरअसल दोस्तों इन सभी को ये दीवार चढ़कर उस पार जाना था और दीवार की ऊंचाई थी बॉस काफी लंबी और ये बेचारे थे नन्हे मुन्ने जानवर, तो इन्होंने भाई अपना दिमाग दौड़ाया और उदबिलाव हवा में उछल रहा था और उसके भाई बंधु उसे कान से पकड़कर ऊपर की ओर वोट देने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह एक एक करके सभी उदबिलाव ऊपर चढ़ गए लेकिन एक रह गया। मगर वो कहते हैं ना कि परिवार हमेशा एक साथ रहता है। बाकियों ने मिलकर दोस्तों कड़ी मशक्कत के बाद उसे भी ऊपर खींच लिया और सभी एक साथ भाई आगे बढ़ गए। कहाँ है आप? अबे किधर है बे? वाह यार बहुत ही प्यारा परिवार है, सही कहा ना भाई? बात तो सही है। दोस्तों गाय वेजिटेरियन डाइट मेंटेन करती है लेकिन कई बार घास वगैरह खाते वक्त उसके खाने में इंसेक्ट्स और वॉर्म्स भी आ जाते हैं और शहरों में घूम रही बेचारी गाय तो कई बार खाने के साथ प्लास्टिक भी खा जाती है। अब इस वीडियो को ही आप देख लीजिए जिसमें एक कंफ्यूज्ड गाय घास के साथ भूल से इस सांप को भी खाने लगती है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड की इस फुटेज में जब अनजाने में गाय ने सांप को खाना शुरू कर दिया तो इस सांप की मौत हो गई। उस सांप ने गाय को डंक वगैरह नहीं मारा। इस चौंका देने वाले सीन को देखकर गाय की ओनर भी घबरा गई थी। ये किस जानवर की चमड़ी? इसे सूखा कैसे खाऊं? इसके साथ कुछ तो चाहिए, अचार मिलेगा? अचार जोइए छे। तो दोस्तों आज की फनी एनिमल की वीडियोस देखकर आपको कैसा लगा? मेरा मतलब है कि आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।